भारत सरकार के द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के विरुद्ध युवाओं का बवाल दूसरे दिन भी जारी रहा। उन्होंने सुबह 7 बजे ही बक्सर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इसके साथ ही डुमराव रेलवे स्टेशन पर भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। युवाओं ने रेलवे ट्रैक पर टायर जलाकर रेल मार्ग अवरुद्ध कर दिया। वहीं उन्होंने रेलवे ट्रैक पर स्लैब रखकर भी रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एक तरफ जहां रेलवे ट्रैक पर आगजनी की, वहीं डुमराव रेलवे स्टेशन पर खड़ी सुविधा एक्सप्रेस पर पथराव भी कर दिया, जिससे कि सुविधा एक्सप्रेस के कई बोगियों के शीशे टूट गए। बाद में मामले को लेकर RPF के द्वारा 5 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ 25 नामजद एवं 150 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तकरीबन 9 घंटे तक रेल पथ जाम रहने के बाद दिन में 3:40 पर जाम समाप्त हुआ। क्या कहा युवाओं ने, सुनते हैं। 4 साल के लिए फिजिकल करके 4 साल के नौकरी करे हैं, 21,000 सैलरी पे आप भी जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एक मंत्री को, उनका पेंशन कटिए, उनका पैसा कटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश के पहाड़ में जाएगा। लेके सब के सब ऊपर इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गाँव के फील्ड में जाइए, वहाँ समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। और इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का, जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है। और हम इस देश के हैं, अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना सही रहेगा। मंजूर है, हम मरेंगे।